गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी विफ्टी स्टॉक के। उसमें से आज का हमारा पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा स्टॉक रहेगा एचयूएल। एंड आज हम सब्सक्राइबर्स की भी क्वेरी लेने वाले हैं। उन सब्सक्राइबर ने दिए थे किर्लोस्कर ऑयल एंड गोवा कार्बन। ठीक है, पहले हम हमारे तीन स्टॉक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद सब्सक्राइबर्स के दो स्टॉक का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि आप लोग खुद से चार्ट रीडिंग करना सीख जाओ। ठीक है, आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो, ये मेरा इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो अभी टाटा मोटर्स को हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसमें हमारा सपोर्ट किधर दिख रहा है, जिधर मल्टीपल लाइंस आ रही है ना, उधर हम लोग सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये देखो, एक हमारा सपोर्ट बन रहा है 280 का। ठीक है, हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट लाइन आ रही है 285। ठीक है, ये देखो मल्टीपल टाइम इधर आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, और अब ये अपसाइड का रेजिस्टेंस देखते हैं, ये देखो 1 2 3 4। आज जो स्टॉक गिरा है ये देखो रेजिस्टेंस से एकदम परफेक्ट गिरा है। ठीक है, इधर ही ज़्यादा सेलिंग आई है, तो क्यों हुआ ये? इधर न्यूज़ भी आज कुछ तो था और इधर रेजिस्टेंस भी था इसका। ठीक है, ये देखो हम लोग दूसरा भी लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो अभी इधर सपोर्ट के इधर बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेश एंट्री जिसको करने का वो अभी डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, अगर ये ऊपर फिर से आते हैं तो रिटेस्ट करके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है इसके। ठीक है, तो इसमें हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें हमारा सपोर्ट आ रहा है 280 से 285। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट, और नेक्स्ट आ रहा है रेजिस्टेंस। थ्री फिफ्टी सेवन से लेकर 360 तक। ठीक है, ये था हमारा टाटा मोटर्स का स्टॉक। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एमएनएम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, इधर मल्टीपल लाइंस किधर आ रही है वो देखने का पहले। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, हम लोगों ने इधर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करने का कुछ भी करके। ठीक है, ये देखो ये हुआ हमारा सपोर्ट। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस किधर आ रहा है, मल्टीपल टाइम डाउन किधर से आ रहा है स्टॉक, ये देखो, ये देखो एक लाइन ड्रॉ किया और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। ठीक है, इसमें हमारा सपोर्ट निकल के क्या आ रहा है, हमारा सपोर्ट है इसमें 735 से लेके 741। ठीक है, ये देखो ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर इधर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया सपोर्ट पे, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से, अभी ये साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, हम लोगों को सपोर्ट की इधर बाय करने का है, रेजिस्टेंस की इधर सेल करने का है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट करके हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 837 एंड 843। ठीक है, ये हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा कि इसमें ये देखो ये हाई, मिनिमम तीन लाइन तो कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, दो लाइन अपने को तो मिल गई। ठीक है, तीसरा लाइन ये आएगी तो काम करेंगे। ठीक है, नीचे से और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3। ठीक है,
ये देखो, 1 2 3 4, ठीक है, ये अभी ट्रायंगल में, साइडवेज में भी है और ट्रायंगल में भी है। अगर ये ट्रायंगल ब्रेक कर दे रहे नीचे, इधर आके इसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा M&M का एनालिसिस। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। निफ्टी 50 का हमारा तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये देखो, इसका वीकली टाइम फ्रेम है, देखो कैसे मस्त ऊपर 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 जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन 1, रेजिस्टेंस लाइन नंबर 2, ठीक है। ये होगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है इधर से, ठीक है। ठीक है, अभी जो इसमें वीकली ट्रेड, वीकली मतलब पोजिशनल जिनका ट्रेड है, ये अभी स्टॉक चल रहा है रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अगर इधर हमको ट्रेंड लाइन के इधर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले, हम लोग इधर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडर इधर ध्यान रखो कि हम लोग इधर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये देखो, हमको ये लाइन के इधर अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है, ठीक है। अगर इधर ट्रेड करने को मिलते हैं, हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 2311 से 2505 तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो स्टॉक सब्सक्राइबर ने दिए थे उनमें से हमारा पहला स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल, उसके ऊपर आज हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। इसमें पैटर्न ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा कम करते हैं, 2 आवर्स करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें हम लोगों को पहला सपोर्ट मिल रहा है, ये देखो, ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट, ठीक है। इसमें दूसरा सपोर्ट मिल रहा है इधर, ठीक है। रेजिस्टेंस ये हमारा अभी, ये देखो, और इधर मिल रहा है एक सपोर्ट। ये देखो, ये स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इधर बहुत टाइम टाइम यूज किया, ऊपर गया, फिर इधर इसने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये देखो, इसका जो हाई था ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फिर इधर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ये जो लाइन उसका ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और जो पहले वाला जो हाई बनाया था वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, आप इधर बाय कर सकते हो। अगर इधर बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर नीचे जाता है तो अपने लास्ट स्टॉप ये आपके लिए, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप सौदा काट सकते हो, ठीक है। बट अगर इधर से ऊपर जाता है तो आपके लिए ये टारगेट होएगा 258 का, ठीक है। और इसके ऊपर जाता है तो ये अच्छा खासा मोमेंट दे देगा, ठीक है। चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है गोवा कार्बन, ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ था इधर 362 से लेकर 365, ये इसका ब्रेकआउट है। अब ये रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। इसको हम लोग टाइम फ्रेम कम करते हैं, 2 आवर्स में जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका हो गया सपोर्ट, ठीक है। और इसका ये रेजिस्टेंस लाइन हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें बाइंग करनी होगी ना, तो हम फ्रेश बाइंग इसके ऊपर ही करेंगे, ठीक है। ये देखो, अभी ये रेंज साइडवेज है, ठीक है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इधर सपोर्ट के इधर हम लोग ट्राई कर सकते कि और क्वांटिटी ऐड कर सके। बट ये नीचे जाता है तो डायरेक्ट इसको सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा
362 से लेके 365, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। बट इधर 1, 2, 3, 3 से 4 बार इसने ये सपोर्ट लिया है 390 से लेके 340 तक। अगर इधर से बाउंस बैक करते हैं तो 425 का टारगेट पॉसिबल है, ठीक है। अगर फोर इधर तक हम लोग वेट करेंगे आने का, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा नेक्स्ट आगे वाला टारगेट रहेगा, ये देखो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 454 से लेके 457, ठीक है। बट ये कब पॉसिबल होगा, जब ये रेंज का ये साइडवेज का ब्रेकआउट अगर ऊपर से देता है तो, ठीक है। ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक और सब्सक्राइबर के 2 स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आपका कुछ स्टॉक का क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसका आंसर दिया जाएगा। चलो ऐसे वीडियो में कल मिलते हैं, थैंक यू।